5 साल या 120,000 किलोमीटर की वारंटी के साथ में बजाज ने अपने बजाज आरी ईटेक 9 को आगे लेके आए। मतलब अब इस गाड़ी के साथ में आपको 5 साल तक बैटरी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बजाज खुद इस पर भरोसा दे रहा है। वो कह रहा है कि हम 5 साल या 120,000 किलोमीटर की वारंटी, जो इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड तौर पर कोई नहीं दे रहा है, वो बजाज दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज आरी के बारे में, कितनी कीमत आती है, कितना लगभग रेंज आता है, क्या कुछ गाड़ी में है और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, और जो हमारी जो नॉर्मल वाली आरी है उससे जब ये ब्लू कलर में हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक हो गई है, तो इसमें इलेक्ट्रिक के तौर पर क्या कुछ लगाया गया है, आपको पूरी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूँ। मेरा नाम अमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं बजाज आरी ईटेक 9 के बारे में। सामने की तरफ से देखने में बजाज आरी बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कि आपने ऑलरेडी आईसी वाले काउंटर पार्ट्स देखे होंगे। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, वो जो लुक है ना पूरा का पूरा वो उसको बरकरार रखा है। हम बहुत प्यार भी करते हैं इस लुक को। अच्छा, सामने की तरफ अब ये मडगार्ड जो है वो मेटल का है, ये लाइट जो है वो हैलोजन है, अच्छा थ्रो देती है, मतलब इनका आप देखोगे ना तो रात को बहुत बढ़िया आता है। और यहाँ पे ना रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, मतलब जब जब ऐसे आप ब्रेक मारोगे या गाड़ी स्लो होती है ना तो बैटरी दोबारा से चार्ज होती है, तो आपको कुछ एडिशनल रेंज मिलती है इस गाड़ी के अंदर। ये आपको यहाँ पे शॉकअप्स देखने को मिल जाएंगे, इंडिकेटर है, और इसमें ना विंडशील्ड अगर अभी आप कुछ ऊंची वाइड लगाई हुई है ताकि आप आराम से देख सको और वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाइपर वगैरह अच्छे से साफ करता है। ये शीशे भी अब चौड़े कर दिए, पहली बार मैंने देखा है कि मतलब इतने टाइम की फीडबैक के बाद में बहुत अच्छा चेंज है, ये बहुत वेलकमिंग चेंज है कि आप आराम से पीछे देख सकते हो, सेफ्टी के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। ओवरऑल यहाँ से डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ड्राइवर सीट पे बाद में बैठेंगे, पहले मैं पीछे बैठता हूँ। तो सबसे अच्छी बात तो ये गेट आ गए हैं ताकि आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है इस गेट से। फिर गेट में एक पॉकेट है जैसे कि मैगजीन वगैरह आप रख सकते हो। फिर चढ़ना बहुत आसान है, उतरना बहुत आसान है, बच्चे बैठ रहे हैं कभी कभी, एल्डर्स बैठ रहे हैं, मतलब थोड़े से सीनियर सिटीजन बैठ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी हाइट 6 फुट की है, मैं आराम से बैठा हूँ। ऊपर की तरफ बहुत सारा स्पेस है, वो बहुत प्लस चीज़ है। फिर 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं पीछे, और लगेज की जगह भी दे रखी है, मतलब पीछे आप लगेज भी आराम से रख सकते हो। ये मुझे अच्छा लगता है इस गाड़ी के बारे में। और क्योंकि इलेक्ट्रिक हो गई है ना तो आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, जैसे आवाज़ ही नहीं करेगी या वो बार बार गियर शिफ्टिंग का एक शफल नहीं आएगा, वो चीज़ें। साइड से देखने में भी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, व्हील बेस वगैरह भी इसका अच्छा है, मतलब ओवरऑल ये मुझे। और ये कलर जो है ना वो देखो कितना बढ़िया है, ये ब्लू कलर ना पूरा इलेक्ट्रिक में आ गया है तो एकदम यूनिक सा लगता है। लाइट्स यहाँ पे आपको इंडिकेटर, बैक लाइट, रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ देखेंगे, ब्रेक लाइट्स वगैरह यहाँ है, रिफ्लेक्टर ब्रेक लाइट्स वगैरह हैं। बट ओवरऑल ये पीछे का प्रोटेक्शन बम्पर मिला के इसको बहुत कंप्लीट सा लुक देता है। और जब हम बजाज की आरी देखते हैं तो इसमें एक और एडिड एडवांटेज है इस बार कि जो पीछे का कंपार्टमेंट है उसमें जनरली इंजन होता था, इस वाली में इंजन नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इंजन नहीं है, यहाँ पे एक RCD केबल रखी हुई है जिसको आप चार्ज करने के लिए यूज़ करते हो, यहाँ स्टेपनी रखी हुई है, जैक रखा हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं है। पीछे की तरफ जो है आप देखोगे तो आपको मोटर प्लेस दिखेगी वहाँ पे। तो मोटर से जो है काफ़ी बढ़िया पावर इसमें आती है, 4.5 किलोवाट की पावर उसमें कंटिन्यूस आते रहती है, जो कि अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे ईटेक 9 का जो पूरा स्टिकर लगाया हुआ है दिखाएगी ये जो है गाड़ी ईटेक 9 है। अच्छा, इसमें जो टायर्स हैं वो आपको 120 ATR 12 के मिलेंगे, मतलब ये वाले जो टायर आप देख रहे हो ये 12 इंच के टायर हैं और इनका सेक्शन वगैरह बहुत अच्छा है, जिस कारण से ना सिर्फ अच्छी एक रेंज देते हैं बल्कि आपको हेल्प होने वाली है काफ़ी सारी चीज़ों में। अच्छा, एक चीज़ और, अब इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए ना जो बैटरी है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो बैटरी है उसमें 5 साल की, इसमें बताया 5 साल की वारंटी आती है, बट आपको चार्ज भी तो करना पड़ेगा। तो एक 0 से लेकर अगर 80 तक आप उसको चार्ज करते हो तो लगभग 3 घंटे में हो जाती है, और अगर 100 तक चार्ज करोगे तो 4-4.5 घंटे के बीच में होती है, डिपेंड कि आपकी बैटरी में पहले से कितना चार्ज था, क्योंकि 0% बैटरी को तो आप चार्ज करने लगाओगे नहीं। और यहाँ पे जो है आपकी RCD केबल कनेक्ट होती है इसके अंदर, और इसके अंदर कनेक्ट करके आप आराम से उसको चार्ज कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। ऑन बोर्ड चार्जर आता है, मतलब इसमें अलग से नहीं चार्जर खराब हो जाएगा बाकी कंपनियों की तरह कुछ भी सीन है, इसमें चार्जर अंदर आता है, प्रॉपर फुल्ली प्रोटेक्टेड है, ना पानी का झंझट ना कोई। और ये बस केबल जो है वो आप आराम से अपने कहीं भी प्लग में लगा दो और आपकी गाड़ी चार्ज होने लगती है, किसी भी नॉर्मल सॉकेट में, 16 A का कोई भी सॉकेट हो, 15 A का कोई भी सॉकेट हो, उसमें काम करता है। अच्छा, अब मैं जिस सीट पर बैठ रहा हूँ इसके नीचे जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है, LFP बैटरी है, और ये बैटरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कैपेसिटी के साथ में आती है, 8.9 kWh की बैटरी है, इस कारण से ये बहुत विशेष है। और इसमें 178 किलोमीटर का रेंज आता है, जी हाँ, 178 किलोमीटर का ARAI सर्टिफाइड देती है, 150-160 किलोमीटर तक ये जो है वो गाड़ी आराम से चलती है एक बार चार्ज करने के बाद, वो अच्छी चीज़ है। और इस बैटरी के ऊपर बजाज 120,000 किलोमीटर या 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देता है, जो कि कोई नहीं देता पूरे मार्केट के अंदर, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा, केबिन के बारे में, चलो नीचे तो सही पर ऊपर भी आप देखोगे तो आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे आप देखो तो आपके बहुत सारे जो सामान होते हैं ना वो रखे जा सकते हैं। तो ये
अच्छा लगता है कि मतलब चलो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन हो गया, फिर यहाँ पे लाइट भी आती है, यहाँ भी स्टोरेज है, वो चीज़ है। फिर अगर इस मीटर कंसोल की बात करोगे, यहाँ पे आपको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पे आपको वो रेंज दिखाएगा कि कितनी रेंज गाड़ी के अंदर है, कितने किलोमीटर चल जाएगी, मतलब स्टेट ऑफ चार्ज दिखाएगा कि अभी गाड़ी में कितना चार्ज बचा हुआ है, अभी गाड़ी कितने परसेंट चार्ज है, फिर कितने किलोमीटर टोटल गाड़ी चली हुई है, कौन से मोड में चल रही है। अब मोड में इसमें पावर और इको दो मोड्स आते हैं, यहाँ पे पावर और इको दोनों आते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी से पावर लेनी है, फ्लाईओवर चढ़ाना है या फुल लोड है या आपको स्पीड में चलाना है, तो आप इसमें पावर मोड चला सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल मोड्स आते हैं आप यहाँ से, तो काफ़ी यूज टू है वो, मतलब एक बार में आप हाथ पे है ना, जैसे नॉब करने नहीं जाना कहीं से, कहीं और से आपको चेंज करने नहीं जाना, कोई मैकेनिकल चीज़ नहीं करनी, बस यहीं से आप जो बैठ के स्विच वगैरह कर सकते हो, आप वाइपर वगैरह कंट्रोल्स यहाँ से आते हैं। ओवरऑल बहुत ही संतुलित है ये और सही है। सबसे कमाल की बात तो ये कि जिस बैटरी में बैठा हूँ, ये बैटरी मेरी नहीं चलेगी, मुझे भरोसा बहुत सारा आता है, मतलब 5 साल या 1,20,000 किलोमीटर का ये वारंटी वाला जो भरोसा है ना, वो मुझे बार बार जो है वो एक एहसास दिलाता है कि यार मैं बजाज की गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब बजाज का भरोसा इसके साथ में आता है, मतलब 5 साल तक मुझे गाड़ी में पीछे कुछ भी देखना ही नहीं है। चलो अब हम गाड़ी के बारे में फाइनल बातें कर लेते हैं। सबसे कमाल की बात मुझे जो इस बजाज आरी ईटेक 9 के बारे में लगी, वो है कि इसमें 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी आती है या फिर 5 साल की, जो कि इंडस्ट्री में कोई भी स्टैंडर्ड तौर पर नहीं देता है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग भी आरी ईटेक 9 है, तो आप उसमें जो है वो 13,116 रुपये दे के अपनी पैसेंजर वाली में अपनी वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हो 5 साल के लिए, तो आपका भी वहाँ हो जाएगा। और अगर आपके पास में कार्गो है, तो आप कुछ 13,900 रुपये कुछ दे के आप उसमें जो है वो कार्गो में भी एक्सटेंड करा सकते हो, तो आप 5 साल के लिए फुल प्रूफ हो जाओगे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करना वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाओगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय वंदे मातरम।